गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी इस प्यारी सी यूनिट का लेक्चर नंबर 9 है। यूनिट का नाम भी यूनिट नंबर 9 है। पढ़ाई ना करना आपके जीवन का एक बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब सिंपल है कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखते आ रहे हैं तो आप फायदे में जीने वाले स्टूडेंट हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सवाल आता है कि सर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम फिर से इस यूनिट का एक अच्छा सा छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक शुरू करेंगे और आज ही के वीडियो लेक्चर में उसे खत्म भी करेंगे। इस चैप्टर में अब तक आपको मैं बहुत सारी चीजें सीक्वेंस वाइज सिखाता आ चुका हूं, सीक्वेंस वाइज समझाता आ चुका हूं, सीक्वेंस वाइज बताता आ चुका हूं, जिसमें हमने बहुत प्यारे से टॉपिक प्रेशर ड्यू टू अ गैशियस मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाता। लेकिन सवाल ये आता है कि सर अगर हमने इससे पहले प्रेशर ड्यू टू अ गैशियस मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को समझाता तो क्या अब वो सेम कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, लेकिन उसके बीच में कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल टॉपिक करने वाले हैं। आज मैं तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए या तीन बेसिक डेफिनेशंस कह लीजिए या तीन छोटी छोटी बातें कह लीजिए जो इस चैप्टर का हिस्सा है उनके बारे में जिक्र करने वाला हूं, और वो बातें भी गैसियस मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर खुद को पहले उन वीडियोस का ज्ञान दीजिए जो आपने मिस कर दिए, और फिर आप यहां लौट के आइए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। सवाल आता है सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको समझाऊंगा एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और तीसरी चीज मैं आपको समझाऊंगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। यानी साफ साफ कहिए सर आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेटेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं और इस हेडिंग में मैं साफ साफ लिख देता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी अलग अलग प्रकार के स्पीड किसकी? ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग प्रकार के गैसियस मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रकार की जो स्पीड होती है, आज मैं उन स्पीड्स का जिक्र करने जा रहा हूं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड कौन सी है? सबसे पहली स्पीड, सबसे दूसरी स्पीड और सबसे तीसरी स्पीड। जो सबसे पहली स्पीड है इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं पहले सबका नाम लिख रहा हूं, फिर मैं सबका मतलब समझाऊंगा, फिर मैं सबका फॉर्मूला बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या मुझे कहना चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीड है जो आपको बतानी चाहिए, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। बिल्कुल सही आपने सुना, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्पीड जो आपको पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सवाल ये आता है कि क्या होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या होती है एवरेज स्पीड। ये तो सिर्फ और सिर्फ तीन नाम है जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इनको अगर मैं सिंबॉलिकली डिनोट करने की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लिखते हैं CMP, एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं CAV, सी एवरेज, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लिखते हैं CRMS। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। चलो मतलब की बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ भाई? मोस्ट प्रोबेबल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसके होने की सबसे ज्यादा संभावना हो। सही सुना आपने, प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब यही है। किसी भी चीज की संभावना हम डिटरमाइन करते हैं, चाहे आपने मैथ्स में आज से पहले 9th में और 10th में प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर भी पढ़ा है, तो क्वेश्चन ये आता है प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर से जो प्रोबेबल वर्ड उठाया गया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है। एक चीज मैं आपको बता दूं जो इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, लेकिन किताबों में भी नहीं दे रखी। इनफैक्ट हाँ, ये तीनों अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीड के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जिनकी डेरिवेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं भी नहीं कराऊंगा,
और जिनकी डेरिवेशन आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इन तीनों की डेरिवेशन को एक कॉन्सेप्ट के आधार पे निकाला गया है, उसे हम कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस। जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे इन तीनों डेरिवेशंस को किया जाता है, तो आपको मैं बता दूं दैट द फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूला ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस has been derived on the basis of a concept। एक concept है, और वो concept क्या है? उस concept का नाम है, या मुझे कहना चाहिए उस concept की heading है, on the basis of Maxwell's distribution of velocity of gases, यानी gas की velocity of velocities of gases, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने इन तीन चीजों के बारे में बताया है। अब ये तीन चीजें क्या है, मैं आपको बताता हूं। भाई हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में बहुत सारे अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई रैंडम वेलोसिटी होगी, और हर मॉलिक्यूल अलग अलग दिशा में मूव कर रहा है, क्योंकि ईच गैसियस पार्टिकल विल हैव रैंडम वेलोसिटी। तो मैं आपको लिख रहा हूं, लेट C1, C2, C3, C4, ...... CN बी द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल, बी द रैंडम वेलोसिटी, या फिर लिखना चाहिए बी द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल, यानी हर एक गैसियस मॉलिक्यूल की कुछ रैंडम वेलोसिटीज हैं, और उन रैंडम वेलोसिटीज के मैंने एक्सप्रेशन को यहां पर लिखा है C1, C2, C3, C4, ...... CN। ऑब्वियसली बात है कि सभी गैसियस पार्टिकल्स की रैंडम वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहने वाली, किसी की बहुत ज्यादा होगी, किसी की बहुत कम होगी। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा है। अगर मैं सिंबॉलिकली लिखने की बजाय इनकी वैल्यू एक एग्जांपल के तौर पर लेने में क्या जा रहा है, अगर मैं इनकी वैल्यू लेता हूं, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक गैस की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक की है 3 मीटर पर सेकेंड, फिर तीसरे की भी है 3 मीटर पर सेकेंड, फिर एक की है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर एक की है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर एक की और है 3 मीटर पर सेकेंड, फिर एक की 2 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। अब नोटिस करो, फिर एक की और है 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप नोटिस करो, इसमें से कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास है, मतलब व्हाट इज दैट वेलोसिटी विद विच द मेजॉरिटी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स विल बी फाउंड टू बी मूविंग, वो गति जिससे ज्यादातर पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। पहला पार्टिकल 2 से मूव कर रहा है, फिर दूसरा 3 से, तीसरा भी 3 से, चौथा 4 से, पांचवा 5 से, छठा 3 से, फिर 2, फिर 5। तो आप नोटिस करो, 3 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी जिससे ज्यादातर पार्टिकल्स के मूव करने की संभावना नजर आ रही है। So what is most probable speed? The most probable speed of gaseous molecules is the value of that speed with which the majority of the particles in a gas are found to be moving with. Hindi mein samjhaun, to most probable speed वो गति होती है जिस गति से ज्यादातर पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए नजर आते हैं। तो ज्यादातर पार्टिकल्स जिस गति से मूव करते हुए नजर आएंगे, उसी गति को कहा जाएगा उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी उस गति से ज्यादातर पार्टिकल आपको आराम से दौड़ते हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस गति से ज्यादा किसी की गति नहीं होगी, हो सकती है कुछ पार्टिकल्स की गति 5 मीटर पर सेकंड भी है, कुछ की 4, कुछ की 6, कुछ की 8, 10 एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन वो गति जो ज्यादातर पार्टिकल्स के पास हमें नजर आएगी उसे कहा जाएगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जब डिराइव किया जाता है, हमें नहीं करना, आप मत डरना, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, जब उसे डिराइव किया जाता है, तो डिराइव करने पर जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो फॉर्मूला क्या है, मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला आता है अंडर रूट 2 KBT / m।
अंडर रूट 2 केबीटी बटा एम में बच्चा बच्चा अब तक ये बात जान चुका है कि केबी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, एंड मास इज द मॉलिक्यूल, मतलब द मास, एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। साफ पता चल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी, अगर किसी मास, किसी मॉलिक्यूल का मास कम होगा तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी। यानी किसी भी कंटेनर में मौजूद सभी गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दो फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है, एक पार्टिकल्स के मास पे, दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैसे भी बढ़ जाएगी, और यह बात तो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में, कि किसी भी गैसियस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रैंडम वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, ये इस पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली पहली डेफिनेशन का इतना ही ज्ञान था और बेसिक ज्ञान है। इससे ज्यादा आपको अगर जानने का मन है तो किताब के बाहर जाना पड़ेगा, किताब में जितना ज्ञान है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद अगर हमें कोई चीज पता होनी चाहिए तो वो है एवरेज स्पीड, और एवरेज वर्ड आज आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये शब्द आपने 9th क्लास में भी सुना था जब आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और आपने 11th क्लास में भी सुना है जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है। एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल अगर मैं मतलब समझाऊं तो इट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज या मीन का मतलब हम तब भी कैलकुलेट करते हैं जब हमें कोई गिवन ऑब्जर्वेशन पता होती है, और उसकी गिवन ऑब्जर्वेशन का हम सम निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डज आल्सो गिव्स अस द एवरेज वैल्यू। यानी किसी भी एवरेज वैल्यू का अनुमान हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे भी निकल सकता है, सी एवरेज इज इक्वल टू सी पहले वाली, सी दूसरी वाली, सी तीसरे वाली, डॉट सी एन डिवाइड बाय एन। तो ये तो एक बेसिक तरीका है, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन जब एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को, मैं यहां पे अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जब एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल गैस डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस के आधार पे निकाला गया तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला निकल कर आया अंडर रूट 8 केबीटी बटा पाई एम। बिल्कुल सही आपने सुना, कैसे आया, किस तरीके से आया, वो आपको 11th क्लास के इस चैप्टर में इस लेवल पे फिलहाल के लिए जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एग्जाम में ऐसा इन पे कोई क्वेश्चन आएगा, ना ही आपको एग्जाम में ऐसा इनकी कोई डेरिवेशन पूछेगा। फिर एक बच्चे ने कहा सर पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे किताबों के गिवन पन्नों में हमारे गिवन सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे किताब के पन्नों के गिवन सिलेबस के अंदर ये एक अहम हिस्सा है, दैट इज व्हाई चैप्टर की बहुत बड़ी कहानी का ये एक छोटा सा किस्सा है, और इस किस्से को आपको अपने दिमाग में है बिठाना क्योंकि हमारे सिलेबस का, मैं फिर से कहूंगा, ये एक अहम हिस्सा है। तो जरूरी नहीं है कि सिलेबस में हर चीज एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन कुछ चीजें कॉन्सेप्ट का हिस्सा होती है जो इतनी रेलेवेंट नहीं होती बट फिर भी उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन बहुत सारी चीजों में से इस यूनिट के अंदर पढ़े जाने वाली ये भी एक छोटी सी चीज है जिसमें हम फॉर्मूला तो पढ़ रहे हैं लेकिन फॉर्मूला कैसे आया ये नहीं पढ़ रहे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। The next important thing that you need to understand is what is the third expression. Third expression कहूँ तो हमने पहले पढ़ा most probable speed के बाद हमने पढ़ा average speed, और average speed के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं root mean square speed। इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में बताऊं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोर्ड पे दी हुई बाकी सारी जानकारी पे नजर डाल लीजिए, ताकि बोर्ड पे दी हुई बाकी सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ जाए, और जो चीज मैं आपको अब डिटेल में बताऊं वो चीज आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारे इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, जो कि मुझे एहसास हो चुका है कि इसकी ऊपर की हेडिंग आपको दिख ही नहीं रही है, क्योंकि अभी मैंने कैमरा के पीछे जाके देखा तो मैं सोच रहा हूं कि इस हेडिंग को मिटा ही दूं, और इस हेडिंग को मिटा कर एक बार दोबारा से यहां पे लिखूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। आई होप
अब आपको ये दिखाई दे जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग प्रकार के स्पीड जो गैशियस मॉलिक्यूल्स शो करते हैं उनके बारे में हमारी बातें चल रही है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरा मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड, और तीसरा बताने जा रहा हूं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड को बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो जो गैसियस पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, मतलब या रैंडम वेलोसिटी होती है C1, C2, C3, उसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 CN डिवाइड बाय N, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा? C एवरेज। यहां से देखो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अगर मैं उसी एवरेज के फॉर्मूला में, अगर मैं इसी एवरेज के फॉर्मूले में C1 का स्क्वायर ले लूं, C2 का स्क्वायर ले लूं, C3 का स्क्वायर ले लूं और CN का स्क्वायर ले लूं, तो इसे कहते हैं मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज। इसे कहते हैं मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच गैस। देख लो एक बार, पहले एक बार देखो, मैं आगे से हट रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, इसे हम कहते हैं मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईच गैस, यानी हर गैस की हर गति के वैल्यू का, हर गैस की हर गति की वैल्यू का स्क्वायर और उस स्क्वायर का मीन, यानी कि आपने हर गैस की हर गति का स्क्वायर 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 और उस स्क्वायर का मीन। अब अगर मैं उस स्क्वायर के मीन पे, अब अगर मैं उस स्क्वायर के मीन पे रूट लगा दूं तो वो सी एवरेज नहीं बनेगा, वो सी आरएमएस बनेगा। यानी सी आरएमएस का अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहूं, अगर मैं सी आरएमएस का सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, मैं यहां लिख के दिखाता हूं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो सी आरएमएस इज रूट रूट मीन मीन C1 प्लस C2 प्लस C3 CN डिवाइड बाय N। लेकिन मीन भी किसका? मीन ऑफ स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, CN स्क्वायर। एक बार नहीं, मैं कहता हूं दो बार सही मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जो मैं हूं पढ़ा रहा उसे जरा घूरो तो सही। तो CRMS का ये बेसिक फॉर्मूला आपके सामने बनकर आता है, प्लीज पे अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करके हमें फाइनल फॉर्मूले तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन सच्चाई बताऊं तो फाइनल फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्पीड हमें इससे ना पता चल के इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है। और रूट मीन स्पीड की जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? देखो CMP हमने निकाला, फिर सी एवरेज हमने निकाला और अब हम पहुंच चुके CRMS पे। तो CMP हमारे पास आया अंडर रूट 2KBT बटा N, सी एवरेज आया हमारे पास अंडर रूट आपका 8KBT बटा पाई M। अब CRMS आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अंडर रूट 3KBT बटा M। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बार बोर्ड पे दी गई इस पूरी जानकारी को अच्छे से घूर लीजिए। मैंने पूरे बोर्ड पे आपके लिए डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर की है कि क्या होता है फॉर्मूला किस चीज का। सर तीन फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए, एक मैंने आपको सिखाया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, एक मैंने आपको सिखाया एवरेज स्पीड क्या होता है, एक मैंने आपको सिखाया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। अब अगर मैं तीनों का रेशो निकालूं, अब अगर मैं तीनों का रेशो निकालूं, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं मिटा दूं और तीनों का अगर मैं रेशो निकालूं, सो या फिर मैं कहूं कि CMP CAverage CRMS, तो इट विल डेफिनेटली कम आउट टू बी रूट 2 इज टू अंडर रूट 8 बटा पाई इज टू रूट 3, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि CRMS इज ग्रेटर देन CAverage एंड CAverage इज ग्रेटर देन CMP, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स की, मोस्ट
प्रोबेबल स्पीड जो होती है गैसीय मॉलिक्यूल्स की, ये मिनिमम स्पीड होती है, और सी आर एम एस जो होती है वो हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है। एक बार नहीं, मैं कहता हूं दो बार सही, दो बार नहीं तो मैं कहता हूं तीन बार सही। मेरे प्यारे प्यारे क्लास इलेवेंथ के बच्चों, जो है मैंने समझाया, जरा उसकी तरफ एक बार नजर तो डालो सही, जो मैंने है बताया उसे जरा एक बार घूरो तो सही, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना जरूरी था। मैंने आपके सामने, मैं रिपीट करूंगा, फॉर्मूला नंबर वन सी एम पी, फॉर्मूला नंबर टू सी एवरेज, फॉर्मूला नंबर थ्री सी आर एम एस, तीन फॉर्मूले केवल और केवल मैंने बताए हैं। ये फॉर्मूला कैसे आए वो मैंने नहीं सिखाया, ना ही आपको जानने की जरूरत है। सो मैंने आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में ही कह दिया था कि इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन क्या समझाऊंगा, वो कैसे आया ये सिर्फ बताऊंगा, कैसे आया ये करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे से टॉपिक को आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करी है, और मुझे यकीन है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, मेरे द्वारा इस पूरे टॉपिक को समझाने के बाद मेरी बातों को वेरीफाई करने के लिए एक बार किताब के पन्नों को खोलिए। जब आप किताब के पन्नों को खोलेंगे तो आपको यही सब चीजें इसी तरीके से बखूबी वहां पे भी नजर आएंगी। बस और क्या, आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त हो जाता है। फिर से आपका ये टीचर एक बार लौट के जरूर आएगा। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ाएगा वो भी अपने आप में नया टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज अ टॉपिक ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ जी, आजादी की डिग्रियां, मतलब आजादी की दिशाएं क्या होता है, आपको तभी समझ आएगा जब मैं वो समझाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में आई होप कि जो मैंने समझाया वो आप सबको समझ आया। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया है, या आप मेरे द्वारा लगातार भेजे जाने वाले वीडियोस को लगातार नहीं देख रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, मेक श्योर कि आप वो हर काम करें जिससे कि आपको मिले फायदा। बस यही है मेरे जीवन का आपके साथ चलने वाला कायदा, नहीं करेंगे इसे फॉलो तो बन जाएगा आपकी कामयाबी का रायता। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। सो वंस अगेन, आपने अपने जीवन का कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों।